केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त किसानों को भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाया और 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच गए, ये सरकार कह रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं, किसान नेता हैं, आंदोलन चल रहा है उसको लीड कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं पीएम के पूरे भाषण को? कह रहे हैं कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे किसान और आत्मनिर्भर बनेगा। देखिए, हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसान की जो फसल है वो मंडी में इज्जत से, प्रॉफिट से बिके। इसलिए हम कहते हैं कि किसान की जो फसल है उस फसल को गवर्नमेंट एक अश्योर्ड प्राइस दे, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं हम। वी शुड बी कैलकुलेटेड विद द फार्मूला ऑफ C2 50%, उसकी अश्योर्ड मार्केटिंग हो और लीगल राइट हो किसान को उस रेट पे बेचने का। अगर उस रेट पे व्यापारी नहीं खरीदता तो या तो व्यापारी को उसका पनिशमेंट मिले या फिर सरकार जो बैलेंस बचेगा उसको भावांतर स्कीम जैसी स्कीम बना के दे। एक तो बात यह है। दूसरा यह है कि किसान के लिए और बहुत सारी समस्याएं हैं जो बेसिकली हल करने वाली हैं। सिंचाई की समस्या है, पूरे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की समस्या है और इंडेप्टनेस की बहुत समस्या है। लाखों किसान सुइसाइड्स कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं किसान की, वो 2,000 रुपया दे के किसान को उससे हल नहीं होने वाला। तो हमारा ये मानना है कि एग्रीकल्चर में बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट का ज़रूरत है। केवल कॉरपोरेट हाउसेस को मंडियां दे के, कॉरपोरेट हाउसेस को एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ले आके किसान का भला नहीं हो सकता। किसान नीड्स मोर सपोर्ट, मोर प्रोटेक्शन, मोर हेल्प फ्रॉम। सर, पीएम ने ये भी कहा है कि जो MSP है पहले कम फसलों पर थी, उनकी सरकार ने MSP ज़्यादा फसलों पर दी है। 2014 के बाद उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे सिंचाई की बात करें या और फसल बीमा देने की बात हो। ये बिल्कुल झूठ बात है। ये अब कहाँ मिल रहा है MSP के, किसी फसल में मिल रहा है? एक बात। दूसरा बात है कि MSP जो मिलना है उसका फार्मूला C2 50% जो हम बोलते हैं उससे मिलना चाहिए, जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश है। तो अभी उसको C1 ये फैमिली लेबर के हिसाब से जो देने का है ये तो ठीक नहीं है। जो उनकी अपनी कमेटीज की सिफारिश है उसके मुताबिक मिलना चाहिए। तो इसलिए ना तो पूरी फसलों पर मिलता है, ना पूरा मिलता है, ना मार्केटिंग इश्योर है, ना किसी को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, किसी व्यापारी को या किसी उसको। सो इसका एक लीगल राइट किसान को मिले MSP का। ठीक है सर, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए किसान का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, इस पूरी लाइन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, पूरे एग्रीकल्चर को आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। ठीक बात है उनका, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे हो गया जब आप उनको वगैरीज ऑफ नेचर पर छोड़ोगे, जब उसको मार्केट के लिए प्राइवेट पूंजी के ऊपर छोड़ोगे, जब उसका कंपटीशन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से कराओगे, तो कैसे वो आत्मनिर्भर हो सकता है? बल्कि एक बच्चा और एक नौजवान दोनों एक जैसे कहीं एक ठंड में या एक कोई कैलामिटी में बच सकता है बच्चा कहीं? तो किसान तो एक वीकर सेक्शन है, प्रोटेक्शन चाहता है, सपोर्ट चाहता है, सब्सिडी चाहता है, लोन में सब्सिडी चाहता है। बोले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और कॉरपोरेट्स को आप छूट दे देते हो और किसानों को नहीं देते हो, इससे कैसे वो उसका आत्मनिर्भरता हो जाए? ठीक है, तो डॉक्टर दर्शन पाल हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसको एक सुरक्षा देनी पड़ेगी, एक छूट देनी पड़ेगी तमाम चीज़ों को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2014 के बाद तमाम चीज़ें केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं, लेकिन इस बात से डॉक्टर दर्शन पाल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार को और कोशिशें करने की ज़रूरत है जिससे किसान और अधिक आत्मनिर्भर बन पाए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव यादव, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।